रोशनदास मुर्दाबाद, जानकी मंदिर ट्रस्ट में ले जाओ, जानकी मंदिर ट्रस्ट में ले जाओ, जानकी मंदिर ट्रस्ट में ले जाओ, रोशनदास मुर्दाबाद, रोशनदास मुर्दाबाद, रोशनदास मुर्दाबाद, आए हमरा सबके जे शुरुआती विरोध रैली देख लिया, आए हमरा सबके एकदम हिंदुत्व के और हमरा सबके हृदय के आघात भेले जे हमरा जे राम के संसार पूजे छै ओहि राम के हमरा अहा के ई रोशनदास और एकर बलवा चलवा हेलवा सर जे खान के नशा में पैसा के नशा में ओकर साथ दैया सपोर्ट करिया आई रोशनदास के अर्धनैंग अवस्था में जिला प्राधिकरण ले जा पड़ल है। ये हमरा जनकपुर वासी और मिथिला वासी के लिए दुर्भाग्य के बात है। अखन अगर हम आगे बढ़ाओ तो हम अहा कई जानकी मंदिर के जो उद्देश्य में बढ़ावा चाहे छे से आगे में लगा छे संबोधन करते संपूर्ण जना नेपाली दाजु भाई मिथिला और जनकपुर वासी संपूर्ण करे जसंग आग्रह छ राजा श्री राम को उद्घाटन करे छ यो रोशनदास को जति हलवा चलवा बलवा रे छ जति पैसा खाएर माता को नाम मा यहाँ लूट तंत्र मचा छ माता को नाम मा यहाँ डकैती कर रे छ ठिक्का चोते छ सब ठिकदार को हामी जानकी मंदिर ट्रस्ट मा लागेर सब ठिक्कादार हरुलाई हामी रोड मा ल्याउने छ र सबको हका बेराउने छ जानकी मंदिर कसै को पाप को बबौटी हैन कसै को जानकी मंदिर को जुन राम जी को हमारा नामी में भव्यता प्रदान करने का आगे बिना प्राण प्रतिष्ठा को या मूर्ति को हमने बनाना सोचा थे और बनाना शुरुआत भी करा थे रामत में सरदार शांत मन को नाम था हमें आदेश दिए थे और आदेश लिए हमें वो राम जी को मूर्ति बनाने शुरू कर दिए ठीक सा राम रोशनदास ने भंस बने उन्हें शास्त्र में राम जानकी मंदिर में मूर्ति को निर्माण होगा सकते न बने तो सात बार प्रमाणित कर रहे हो गुलामी खट्ने जीत भयो जानकी मंदिर लगे भी छोड़छ किछु दिन पूर्व जे छै ने से एकटा सर्वदलीय बैठक भेल छै जे बैठक में प्रशासन और सब पार्टी के लोक रहथिन हम कतौ इलाज में बाहर रही तो हमरा फोन कलक सीडियो साहब जेना एना एकटा सर्वदलीय बैठक छै जाहिमे ई निर्णय होबय वाला छै जे जानकी मंदिर के प्रांगण में या जानकी मंदिर के परिसर में कतौ कोनो प्रकार के राजनीति चाहे धार्मिक कोनो किस्म के बाहरी कार्यक्रम नहीं कर जाए वही सब मंदिर के परिसर में लोग छूप पान एम्हर उम्हर गिलास तिलास फेंक दै छै तो हम फोने से कहलियन जे हमर ओहिठाम चेला छथिन राम रोशन दास जी हमरा प्रतिनिधित्व में हुनके यहाँ बजा लियो ना जे निर्णय करवा कैसे हम हुनका सब सुना देबन जिनका बजा के ऊ सब बात के एकटा निर्णय केलखिन तहिया से अपने के कोनो किसिम के एहिठाम आध्यात्मिक या राजनीति या कोनो किसिम के कार्यक्रम नहीं होइ छलै एकटा ही 500 वर्ष के बाद एकटा बहुत बड़ा जे छै से हिंदू के या विश्व के कहियो सबके लेल राम जन्मभूमि के जे उद्घाटन के 22 तारीख के समारोह भेलै ताहिमे एकटा विश्व में अपने आप में आध्यात्मिक एकटा अलग प्रकार के उत्साह भेलै युवक वृद्ध युवा हर प्रकार के लोग ओहिमे ई भेलै जे विभिन्न कार्यक्रम कयल जाए बहुत जगह निर्णय भेलै जाहिमे जानकी मंदिर कहलकै ठीक छै एतऽ 1100 भार की केना ई सब जाए नगर समाज सब मिलकर जे छै से भारो पठेलखिन जाहिमे राम रोशन दास जी के अगुवाई में गेलन
और जो कार्यक्रम कल जाए तो सब दिवसीय कार्यक्रम जो है से हमू एठम कली करब प्रांगण में भेल छले। और दोसर गप जो है से एक अपने आप के जानकी सेना कह के ओठम से बैनर लिखे छथिन बच्चा सब जखन सब टायर बारे सब तो हमारा सी डी ओ साहब कहला जे अघोषित जो है से बैनर से केना एक डरता नहीं है। हम पूछलिए एक सबसे जो बुआ तू सब डरता नहीं करने तो डरता के निवेदन देने छी लेकिन डरता नहीं भेल छे। हम कहे तहन तो तोरा डरता करा कर तखन कोनो काज करबाक चाहिए ना। तो हम सी डी ओ साहब के आग्रह कलियन जो एक सबके राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में करे अखन जैसे से एक दोसर माहौल से एक दुआरे एक कर दियो एक सबके हमू कुछ तेल तेल उपलब्ध करा दिलिये डिपो राख के जगह दिलिये और समझलिए अते केना करब तो लोग के आव जाए में दिक्कत हेतु ती सब कहक जन एना एना कर हम सब करब करब बाद में सब फोन करक हम उद्या उद्घाटन में रही हम रोशन जी सब तो हमरा सब मंचो उपलब्ध करा दिए मंचो तंचो सब उपलब्ध करा देने रहिए सब उत्साह से कल के नगर समाज सब आबि के बड़ा उत्साहित भेलखिन। अब ई अखन रामनवमी के अवसर पर आबि के जे छै से सब हमरा कहला तो हम बुआ से जानकी मंदिर के प्रांगण में जे छै से एक तो पूछ लियो जे बहुत वृद्ध आदमी छथिन जनकपुर के और लोग सब पूछबे जे जनकपुर में माटि के मूर्ति बनकर परिक्रमा सड़क के भीतर में नहीं पूजा होइ छै। अब जानकी मंदिरे में ई कल जाए हमरा सबके आद देव छथिन राम जी उनका अते बड़ा मूर्ति तरीका सब हम समझलिए बुआ करवा झांकी स्वरूप के जे बनाओल जाए थे राम जी से बना कर तखन करू या नहीं तो कोनो कार अथी होइ छै ना पलाई तलाई के ऊपर राम जी के स्वरूप बना कर निकालू तो ये सब आ जे बना तो मूर्तिकार हो जोगिंदर पंडित ओकरा बजाओ हम ओकरा आइडिया दे छी जे प्लाई में बना दे ये सब तखन हाँ कहला बाद में गेला के बाद में सब दोसर प्रकार के रूप बदलखिन। हम देखू ये कोई भी शर्त में ये प्रांगण में जो है से दोसर प्रकार के कार्यक्रम नहीं है ताबे जो है से इहो सब पहुँचला की अहाँ सब पिपरा के छी कतऽ के छी कहले रही जे पिपरा से जुलूस लाए राष्ट्रीय एकता अभियान तो इहो सब भेला जे हमरा सब कुछ झंडा उपलब्ध करा देल जाओ बाबा हम ठीक छै हम उपलब्ध करा देब जे हमरा सामर्थ्य हेतै से। आब ई सब जे छै से जबरदस्ती आबि कऽ एहिठाम भी 12 फुट के राम जी बनायब ई करब ओ करब बिना मतलब के हल्ला फसाद करै छथिन। जानकी जी से हम आग्रह करै छियनि हुनको सबसँ आग्रह करै छियनि बिना मतलब के एक मंदिर आध्यात्मिक जगह के टारगेट बना के कोनो विवाद केनाइ निक बात नहीं छै ते लेल हुनको सबके हम आग्रह करै छियनि और समाजो के आग्रह करै छियनि एहि धरोहर के जते सुरक्षित जते निक रखथिन तते अहि समाज के ई सब फायदा छै। एहिठाम कोन हिंदू के हम सब जे छै से देश विदेश के अलैया अहाँ सब ओते पत्रकार जे कहू जे कोई अफजस कह गेलक ककरो जे कि जानकी मंदिर में गेलहुँ तो हमरा संगे महंत या पुजारी या कोई कर्मचारी एहन दुर्व्यवहार केलक जी कहने हुए तो हुनका सब हम क्षमा प्रार्थी मंगबनि आ बिना मतलब के एहिठाम विवाद ई सब कह के हमरा ठीक नहीं लगैए ताहि दुआरे ओहो हमर बच्चे सब छथि हुनको सबके हम आग्रह करै छी जे बिना मतलब के किया ई विवाद करै छथि तो उत्साह करके से तो हमरा सबके कहता जे हाँ बाबा एहिमे हमरा सबके ई सहयोग कर दिए एना कर दिए ओना कर दिए एहिसँ पहिने पौरको साल भेल छलै तऽ जे हमरा जथा जुड़ल बनल से सबमे सहयोग डीजे बना देलियनि रथे मका दी कथू कऽ देलियै आ अखनो करिते छियै है ना। ताहि दुआरे हमसब तऽ एहि सबमे लागले रहै छी लेकिन बिना मतलब ई टारगेट बना कऽ हल्ला फसाद केनाइ टायर भरनाइ ई हमरा नीक नहि लागल ताहि लेल अपनो सबसँ आग्रह करै छी जे हुनको सबके कहियौन जे इसके बेकार झंझट केलासँ कोन फायदा हेतै। सार्वजनिक
Let's go, people! Let's go, people!